से संबंधित क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023, आयोजन स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश, आयोजन अवधि 10 से 11 अप्रैल 2023, उद्घाटनकर्ता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्रदेश सरकार वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के तहत इस वर्ष 35 करोड़ पौधे लगाएगी। ये पौधे राज्य के सभी जिलों में एक ही दिन लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दो दिवसीय मेगा पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा, किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में दो दिवसीय मेगा प्रदर्शनी एवं कृषि मेला 2023, आयोजन स्थल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, आयोजन अवधि 6 से 7 अप्रैल 2023, आयोजनकर्ता भारत सरकार के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा ICAR केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ। उद्घाटनकर्ता नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं। उद्देश्य कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और उन्हें प्रदर्शित करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस प्रदर्शनी और मेले में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों, मछली उद्यमियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों, प्रसारकर्ताओं, कृषि उद्योग कर्मियों, कृषि पेशेवरों, वैज्ञानिकों सहित लगभग 30,000 किसानों ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, फरवरी 2023 में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2023, आयोजन स्थल लखनऊ है, आयोजन अवधि 10 से 12 फरवरी 2023 को। समिति का उद्घाटन नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। सहभागिता 40 देशों की, सहयोगी देश 10, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, UAE, UK तथा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर है, स्कूल चलो अभियान 2023 भारत के किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान 2023 शुभारंभकर्ता राज्य उत्तर प्रदेश है। शुभारंभ तिथि 1 अप्रैल 2023। शुभारंभकर्ता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 के साथ विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का भी शुभारंभ किया है और इसी क्रम में NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया है। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला फाइव, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि मेला 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोरखपुर इसका सही जवाब बनेगा। यूपी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 वाराणसी में 24 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस टॉप टीवी पार्टनरशिप के सहयोग से। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर, विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय क्या है? हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, फरवरी 2023 में कालिंजर महोत्सव 2023 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बांदा जिले में इसका आयोजन किया गया है। कालिंजर महोत्सव 2023 17 फरवरी 2023 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा बांदा जिले में विशेष इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर एट है, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलाशिन कोव 1-203 असाल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेठी इसका राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, 2023 में छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह किस तिथि को मनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 24 जनवरी को मनाया गया है। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 संदर्भ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठवें उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया है। संस्करण छठवां है। वर्ष 2018 में पहला संस्करण। वर्ष 2023 का मुख्य विषय क्या है? निवेश और रोजगार है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 11। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महाकुंभ दूसरे चरण 2022-23 का उद्घाटन किस स्थान पर करेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बस्ती। सांसद खेल महाकुंभ दूसरा चरण 22-23 उद्घाटन स्थल बस्ती उत्तर प्रदेश। उद्घाटन तिथि 18 जनवरी 2023। उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। उद्घाटन माध्यम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से। आयोजन प्रथम चरण 10 से 16 दिसंबर 2022। आयोजन द्वितीय चरण 18 से 28 जनवरी 2023। आयोजनकर्ता बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी संडीला। मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन संडीला हरदोई जिला योगी आदित्यनाथ के द्वारा 5 मार्च 2023 को वर्चुअल माध्यम से। विशेष क्या है? यह एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री है या पेंट फैक्ट्री वर्चुअल समूह की है। क्वेश्चन नंबर 13। फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 2023-24 का आकार कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.90 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार बजट पेश किया गया है 22 फरवरी 2023 को। बजट पेशकर्ता प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। बजट का आकार कितना है? 6,90,242.43 करोड़ रुपये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वर्ष 2022 में बजट का आकार 6.15 लाख करोड़ रुपये। राजस्व लेखे की प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8% से अधिक। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है। बजट में नई योजनाओं पर खर्च जीएसडीपी में अनुमानित वृद्धि दर 19% है। क्वेश्चन नंबर 15 है। उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेज की संख्या 14। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्थापित नए मेडिकल कॉलेज 45 हैं। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु बजट 100 करोड़। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप 7200। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए बजट में प्रावधान 400 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 5 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम धनराशि 5 लाख रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत धनराशि का प्रावधान 1,050 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 17। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र से आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋण और अग्रिम की वसूली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 18। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार सर्वाधिक अंश किस क्षेत्र में खर्च होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पूंजीगत परिव्यय। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 4.2% इसका राइट जवाब बनेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में रोजगार अगले 5 वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना है कितनी राशि का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 300 करोड़ यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 22। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में उत्तर प्रदेश की कुल ऋण ग्रस्तता का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 32.5 इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 23। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश में खोले गए कुल खातों में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों
ऑप्शन बी केवल सेकेंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा 9.23%। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 25, वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान में प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46.95% उत्तर प्रदेश सेवा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सेवा क्षेत्र वर्ष 21-22 में प्रचलित भावों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 46.95% प्रतिदर 14.02% है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 2019 में। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ अप्रैल 2019 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की स्थिति को लागू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 लागू की गई है। 2 फरवरी 2023 लागूकर्ता उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति के आने तक लागू की अवधि है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और प्रदेशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में खेल नीति 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 लागू माह मार्च 2023 लागू करता उत्तर प्रदेश प्रारंभ कोष राशि 10 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में रन फॉर G20 वाकाथन का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन वी 4। रन फॉर G20 वाकाथन 21 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता शहर 4 शहर हैं, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मुलायम सिंह यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण हेतु कितने संसदीय आयोग का गठन किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग, गठन माह दिसंबर 2022, गठनकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार, सदस्यों की संख्या 5 है। उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला 33, हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व का नाम क्या है? तो राइट आंसर तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व अधिसूचित है। 29 दिसंबर 2022 को आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अधिसूचित हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल 3049 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त माह दिसंबर 2022 लक्ष्मी सिंह बनी है। नियुक्ति पद पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर नोएडा, स्थान लिया गया है आलोक सिंह का। क्वेश्चन नंबर 35, दिसंबर 2022 में FSSAI ने उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5-स्टार रेटिंग दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बुलंदशहर जेल। बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5-स्टार रेटिंग संदर्भ भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता की 5-स्टार रेटिंग दी गई। इसे ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कहां पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू। 25 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश कैबिनेट पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है राम बाबू। 36वें राष्ट्रीय खेल में 35 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 4 अक्टूबर 2022 को राम बाबू उत्तर प्रदेश ने बनाया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना 2 घंटे 36 मिनट 34 सेकेंड में 35 किलोमीटर रेस वॉक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अक्टूबर 2022 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की गई। सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में गाजियाबाद ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन है 12वां स्थान प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, और यहां पर घोषणा तिथि 2 अक्टूबर 2022, संबद्ध मंत्रालय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी शहर नोएडा 5वां स्थान है, अलीगढ़ का 29वां है, सहारनपुर का 40वां स्थान है, मथुरा का 49वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी गोरखपुर में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में, विश्वविद्यालय का परिसर क्षेत्र 100 एकड़ में, स्थापना लागत 700 करोड़ रुपये। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य बेंगलुरु स्थित रियल इस्टेट कंपनी शोभा लिमिटेड करेगी। यह उत्तर प्रदेश का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय होगा। क्वेश्चन नंबर 40, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन है मुंडेरा बाजार गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम परिवर्तन को गृह मंत्रालय की मंजूरी, मंजूरी प्रदान तिथि 6 अक्टूबर 2022, मंजूरी प्रदाता केंद्रीय गृह मंत्रालय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया गया है। देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है, अक्टूबर 2022 में स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन है अयोध्या, इसका राइट जवाब बनेगा। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण 21 अक्टूबर 2022 को अनावरण करता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, अनावरण स्थल अयोध्या राधा कृष्ण मंदिर या अम्मा जी मंदिर में। यह मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2022 में हैदराबाद में स्थापित 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की छोटी प्रतिकृति है। यह स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। मूर्ति की स्थापना रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर। क्वेश्चन नंबर अगला 42, अक्टूबर 2022 में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यहां पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर 2022 को किया गया है। आयोजन स्थल ललित कला अकादमी लखनऊ, आयोजनकर्ता चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल, उद्घाटनकर्ता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, थीम भारत की समृद्धि संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विमोचन किया है श्री राम वन गमन पथ विशेष आवरण विरूपणा का, उत्तर प्रदेश में श्री राम वन गमन पथ पर स्थित 14 स्थानों के मानचित्र का, डिफिनेट स्टाम्प थीमेटिक पैकेज का। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना का शुरू की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, इसका राइट जवाब बनेगा। पंचामृत योजना अगस्त 2022 में शुभारंभ करता राज्य उत्तर प्रदेश है। पंचामृत योजना के घटक क्या है? गन्ने की बुआई के लिए प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई, पेड़ प्रबंधन, फसल सह फसल विधि। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वाराणसी में इसका सही जवाब बनेगा। अक्षय पात्र मिड डे मील किचन 7 जुलाई 2022 नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उद्घाटन स्थल LT कॉलेज वाराणसी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट इटावा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शिलान्यास 29 फरवरी 2020 को, उद्घाटन तिथि 16 जुलाई 2022 13 जुलाई 2022 तक कार्यपूर्ण, उद्घाटन स्थल कैथिरी गांव उरई तहसील जालौन, उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लंबाई 296.07 किलोमीटर है, प्रारंभ बिंदु भरतकूप के पास गोंडा गांव चित्रकूट NH 35, अंतिम बिंदु कुदरायल गांव इटावा NH 91 पर। लाभान्वित जिले चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया इटावा। एक्सप्रेस पर पड़ने वाली प्रमुख नदियां वागेन है, केन है, श्यामा चंदावल, यमुना बिरवा बेदवा सेंगर। लेन 4 लेन है, 6 लेन तक विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
अगला खेल से संबंधित क्वेश्चन, खेल से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत इसका राइट आंसर बनेगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 भारत नई दिल्ली, आयोजन अवधि 15 से 26 मार्च 2023, संस्करण 13वां है, तत्वावधान अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, प्रतिभागी देश की संख्या 65, प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान भारत 4 स्वर्ण, स्वर्ण पदक विजेता भारतीय रहे नीतू घन घस 48 किलोमीटर, स्वीटी 41 किलोमीटर, लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम, माफ कीजिएगा, निकहत जरीन 50 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व कप प्रतियोगिता 2023 में किस देश ने पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन इसका राइट जवाब बनेगा। आईएसएसएफ राइफल पिस्टल विश्व कप प्रतियोगिता 2023, आयोजन स्थल भोपाल मध्य प्रदेश भारत, आयोजन अवधि 20 से 27 मार्च 2023, पदक तालिका में शीर्ष स्थान चीन 8 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य, पदक तालिका में द्वितीय स्थान भारत का 1 स्वर्ण 1 रजत 5 कांस्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत ने जीता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 उर्मिया ईरान, आयोजन अवधि 28 फरवरी 4 मार्च 2023, विजेता भारत है, उपविजेता ईरान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फरवरी मार्च 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित 4 स्टेट मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती, इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आर अश्विन रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने एक दिवसीय मैचों का की श्रृंखला मार्च 2023 में खेली गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वर्ष 2022-23 में खेले गए रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2022-23 आयोजन अवधि 13 दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2023, फाइनल मैच का आयोजन ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, विजेता सौराष्ट्र है, उपविजेता बंगाल रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आईसीसी टी20 महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ है? दक्षिण अफ्रीका इसका राइट जवाब बनेगा। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, आयोजन अवधि 10 से 26 फरवरी 2023, आयोजनकर्ता आईसीसी है, प्रतियोगिता टीमों की संख्या 10 है, संस्करण 8वां है, प्रथम संस्करण 2009, विजेता ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। मैन ऑफ द सीरीज एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, श्रृंखला में सर्वाधिक रन लारा वॉल्ड दक्षिण अफ्रीका 230 रन, श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट सोफिया एक्लेस्टन इंग्लैंड 11 विकेट। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, आयोजन अवधि 14 से 29 जनवरी 2023, संस्करण प्रथम है, आयोजनकर्ता आईसीसी, विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर अगला 9, भारत न्यूजीलैंड के मध्य एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शुभमन गिल। भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला 2022-23 मेजबान भारत है, आयोजन अवधि 18 से 24 जनवरी 2023, विजेता भारत 3-0, मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल 360 रन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को भारत ने जीता है? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। भारत श्रीलंका के मध्य टी20 एवं एक दिवसीय श्रृंखला 2022-23, आयोजन स्थल भारत है, आयोजन माह जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 11, आईसीसी अवार्ड्स 2022 के सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। आईसीसी अवार्ड 2022 जनवरी 2023 में आईसीसी अवार्ड घोषण स्थल क्या है? दुबई है। सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम, गैरी सोबर्स ट्रॉफी पाकिस्तान। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर वेन स्टोक्स। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीमान खिलाड़ी मार्को जैनसन दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12 है,
महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 5। महिला प्रीमियर लीग 2023 प्रथम संस्करण है, आयोजन स्थल भारत दुबई के ब्रेवोर्न स्टेडियम और डी वाई पाटिल स्टेडियम, आयोजन अवधि 4 मार्च से 26 मार्च 2023, प्रतिभागी टीमें 5 मुंबई इंडियन, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, गुजरात टाइम्स। क्वेश्चन नंबर अगला 13। जनवरी 2023 में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 14 है, पुरुषों का FIH हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियन फुटबॉल कप टूर्नामेंट 2027 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सऊदी अरब, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, आयोजन अवधि 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023, आयोजन स्थल मध्य प्रदेश, पद तालिका में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का रहा, कुल 161 पद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिसंबर 2022 में भारत बांग्लादेश के बीच आयोजित 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भारत ने 2 से जीती, इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए चेतेश्वर पुजारा को। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिसंबर 2022 में बांग्लादेश भारत के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला बांग्लादेश ने भारत को 2-1 से हराकर जीता, इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी मेहदी हसन मिर्जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिसंबर 2022 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन ने एक दिवसीय मैच में अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक किस क्रिकेट टीम के विरुद्ध बनाया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिसंबर 2022 में किसे ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का एकल पुरुष एवं महिला वर्ल्ड कप विजेता घोषित किया गया है? तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राफेल नडाल और इगा स्वियातेक को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 22, हाल ही में फुटबॉल के महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राजील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिसंबर 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्पेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिसंबर 2022 में दृष्टिबाधित T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारत ने जीता है। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 फाइनल खेला गया 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु स्थित M चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, मेजबान देश भारत है, विजेता भारत लगातार 3री बार, उपविजेता बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दिसंबर 2022 में संपन्न फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में विचार कीजिए। पहला है इसकी मेजबानी कतर ने की, सेकंड है यह खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता, थर्ड है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल पुरस्कार अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जीता, फोर्थ ऑप्शन है टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने का गोल्डन पुरस्कार फ्रांस के काइलिन एम्बापे ने जीता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 26, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मुंबई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 विजय खेल संबंधित खेल क्रिकेट से, आयोजन अवधि 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022, खेल का प्रारूप T20 है, संस्करण 5वां, पहला 2006-07। क्वेश्चन नंबर 27, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, 8वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 29, अक्टूबर 2022 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड द्वारा महिला खिलाड़ियों की मैच फीस पुरुष खिलाड़ियों के मैच फीस के बराबर कर दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी भारत, इसका सही जवाब बनेगा। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की मैच फीस पुरुष खिलाड़ियों के बराबर करने की घोषणा 27 अक्टूबर 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने, संबंधित देश भारत है, घोषणा के तहत अब महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मैच में प्राप्त होंगे टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, पहले 4 लाख रुपये, एक दिवसीय मैच के लिए 6 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये, T20 मैच के लिए 3 लाख रुपये, पहले 1 लाख रुपये।
मैच फीस समान करने वाला भारत दूसरा देश है, पहला देश न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अक्टूबर 2022 में पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां पर करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र इसका सही जवाब बनेगा। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के आयोजन की घोषणा 20 अक्टूबर 2022 को अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, मेजबान राज्य मध्य प्रदेश से। आयोजन अवधि 31 जनवरी 11 फरवरी तक, शामिल कुल खेल विधाएं 27, वाटर स्पोर्ट्स पहली बार शामिल। क्वेश्चन नंबर 31, अक्टूबर 2022 में महिला टी20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बांग्लादेश में। महिला टी20 एशिया कप 2022 1 से 15 अक्टूबर 2022 को 8वां संस्करण है, मेजबान बांग्लादेश, प्रतिभागी टीमें 7 बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई, मलेशिया, थाईलैंड है, विजेता भारत 7वीं बार, उपविजेता श्रीलंका 8 विकेट से पराजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, इसका आयोजन गोवा में किया गया। सेकंड, हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, केरल के तैराक साजन प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर, सितंबर 2022 में आयोजित दलीप ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम क्षेत्र। दलीप ट्रॉफी 2022-23 संबंधित खेल क्रिकेट से है, आयोजन स्थल तमिलनाडु और पुदुचेरी, आयोजन अवधि 8 से 25 सितंबर 2022 संस्करण 59वां है, आयोजन मास्टर कार्ड, प्रारूप प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सितंबर 2022 में संपन्न हुई फुटबॉल प्रतियोगिता महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है बांग्लादेश ने। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 6 से 19 सितंबर 2022 आयोजन अवधि है, मेजबान नेपाल काठमांडू, प्रतिभागी टीमें 7 हैं, संस्करण 6 है, विजेता बांग्लादेश पहली बार, उपविजेता नेपाल, फेयर प्ले अवार्ड बांग्लादेश, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सबीना खातून बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश, मेजबान शहर 4 लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, संस्करण 3, पहला ओडिशा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देश भर के 150 विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 4500 एथलीट रोइंग, बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी, मुक्केबाजी समेत 20 खेलों में भाग लेंगे। यह पहला अवसर है जब उत्तर प्रदेश में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 मेजबान देश इंग्लैंड है, आयोजन वर्ष 2025 पहली तिमाही, मेजबान संस्थान वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड है, आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ। विशेष क्या है? यह पहला अवसर होगा जब कबड्डी विश्व कप का आयोजन एशिया से बाहर किया जाएगा। सर्वाधिक बार विजेता टीम भारत 10 में से 9 बार। क्वेश्चन नंबर 37, सितंबर 2022 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत में इसका आयोजन किया गया है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 मेजबान देश भारत है, आयोजन अवधि 10 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022, संबंध खेल क्रिकेट है, प्रारूप टी20 संस्करण 2 है, प्रतिभाग टीमें 8 हैं, विजेता इंडिया लीजेंड्स दूसरी बार, उपविजेता श्रीलंका लीजेंड्स, विजेता टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर अगला 38 है, सितंबर अक्टूबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आई थी, इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस दौरे के दौरान 3 टी20 एवं 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। सूर्य कुमार यादव को टी20 श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, अगस्त 2022 में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने किसे हराकर जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, जापान को। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 10 से 28 अगस्त 2022 मेजबान कोस्टारिका, प्रतिभागी टीमें 16 हैं, विजेता स्पेन, उपविजेता जापान, फेयर प्ले अवार्ड जापान। क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2022 में संपन्न यूएस ओपन 2022 के संबंध में विचार कीजिए। पहला है, पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने कास्पर रूड को हराकर जीता। महिला एकल का खिताब इगा स्वीतेक ने ओन्स जावेडकर को हराकर जीता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, पहला और
सेकेंड, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला 41। अगस्त 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे 21-22 सत्र के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है? तो राइट आंसर ऑप्शन है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर रहे। घोषणा तिथि 9 अगस्त 2022। घोषणाकर्ता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी सुनील छेत्री हैं, सातवीं बार। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण पहली बार बनी है 21-22 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के प्रदर्शन पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। सेकंड, भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने भारोत्तोलक में महिलाओं के 49 किलोमीटर भार वर्ग में जीता है। थर्ड है, भारत ने सर्वाधिक 12 पदक, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक कुश्ती में जीता। चौथा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जबकि महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। और इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 43। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पदक तालिका में इंग्लैंड तीसरे क्रम पर और भारत पहले क्रम पर है। भारत ने 22 स्वर्ण पदकों सहित कुल 61 पदक अर्जित किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, केवल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पदक तालिका दी गई है दोस्तों, पहला ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड इंग्लैंड है, तीसरा कनाडा और चौथा भारत है। और भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और कांस्य 23 और कुल 61। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उपलब्धियों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, भारत पहली बार लंदन में कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में केवल एक कांस्य पदक जीता। बी ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत की टीम ने पहली बार कार्डिफ वेल्स में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में 2 स्वर्ण, 1 रजत जीता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन यहां पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहां पर 45। अगर 2022 में महिला पावर लिफ्टर तमारा वालकॉट ने 737.5 किलोमीटर का वजन उठाकर किलोग्राम का वजन उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वह किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। महिला पावर लिफ्टर तमारा वालकॉट। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में संपन्न सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत ने जीता सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। संबंधित खेल फुटबॉल है। आयोजन अवधि 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022। मेजबान देश भारत कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, संस्करण चौथा है। विजेता भारत बांग्लादेश को 5-2 से हराकर वो विजेता बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अगस्त 2022 में उन्हें खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिडे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेकंड है, इस संबंध में मतदान चेन्नई में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ना तो पहला ना ही सेकंड। नियुक्त पद, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे का उपाध्यक्ष। फिडे का अध्यक्ष चुना गया है आरकेडी वारकोविच को दूसरी बार। अध्यक्ष पद के विरोधी उम्मीदवार आद्रेई वैरिस पोलेट्स। चुनाव का आयोजन फिडे कांग्रेस 2022 के दौरान चेन्नई 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान। क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, भारत इसका सही जवाब बनेगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, संदर्भ 27 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। आयोजन स्थल भारत, भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा। आयोजन अवधि 11 से 30 अक्टूबर 2022। आयोजनकर्ता फीफा, संस्करण 7वां है। विगत संस्करण ऋग्वेद 13 नवंबर 2018, प्रथम संस्करण 2008। आयोजन अवृत्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर। सम्मिलित टीमें 16 हैं। विगत संस्करण का विजेता स्पेन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। जुलाई 2022 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर कहां किया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। एशिया कप 2022 का आयोजन अवधि 27 अगस्त से 11 दिसंबर 2022। मेजबान देश संयुक्त
अरब अमीरात यूएई इससे पहले आयोजन प्रस्तावित श्रीलंका में घोषणा करता एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट का फॉर्मेट 2020 फॉर्मेट है। एशिया कप का सर्वाधिक बार विजेता भारत 7 बार, गत विजेता भारत व 2018 में बांग्लादेश को हराकर। क्वेश्चन नंबर अगला 50 है। महिला विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत 2024 में महिला विश्व की मेजबानी करेगा। सेकंड है, इससे पहले वर्ष 2013 में भारत महिला विश्व कप की मेजबानी किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 26 जुलाई 2022 को, आयोजन सितंबर अक्टूबर 2025 में, मेजबानी भारत द्वारा, शामिल टीमें 8 टीम, कुल 31 मैच प्रस्तावित हैं। घोषणाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। इससे पूर्व भारत द्वारा मेजबानी 1978 में, 1997, 2013 में प्रथम एक दिवसीय महिला विश्व कप, 1973 में इंग्लैंड, एक दिवसीय महिला विश्व कप 2022 का मेजबान न्यूजीलैंड, विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। जुलाई 2022 में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 उद्घाटन समारोह, आयोजन 28 जुलाई, 8 अगस्त 2022, उद्घाटन स्थल बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत का ध्वजवाहक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। संस्करण 22वां है। प्रथम संस्करण वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, विगत संस्करण वर्ष 2018 गोल्डन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, आगामी संस्करण वर्ष 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। शामिल कुल भारतीय खिलाड़ी 215। मेटो गेम्स फॉर एवरीवन, शामिल देश 72, कॉमनवेल्थ राष्ट्र शुभंकर पेरी है, सम्मिलित खेल 25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। जुलाई 2022 में आयोजित ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चार्ल्स लेक्लेर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गुजरात। 36वां राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित आयोजन स्थल गुजरात, गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में। प्रस्तावित आयोजन अवधि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022, सम्मेलन सम्मिलित खेल 36, सम्मिलित खिलाड़ी 7000 से अधिक। मोटो क्या रहा है? खेल के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। संस्करण 36वां है। विगत संस्करण का आयोजन केरल के 7 शहरों में 2015। क्वेश्चन नंबर 54। जुलाई 2022 में किस 94 वर्षीय महिला एथलीट ने फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर रेस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवानी देवी डागर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 18 जुलाई 2022 को वर्ष 2018 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की आधिकारिक तारीख की घोषणा की गई। वर्ष 2028 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 14 जुलाई से 30 जुलाई 2028, आयोजन स्थल लॉस एंजल्स यूएसए है। संस्करण 34वां है। इससे पूर्व लॉस एंजल्स में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन वर्ष 1984 तथा 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56। जुलाई 2022 में पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग का आयोजन कहां पर किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नई दिल्ली। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 से 29 जुलाई 2022 को शुभारंभ स्थल तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 57 है। विंबलडन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच का यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी के साथ इन्होंने स्पेन के राफेल नडाल के सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी कर ली है। विंबलडन ओपन 2022 आयोजन अवधि 27 जून 10 जुलाई 2022 है। आयोजन स्थल ऑल इंडिया ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब विंबलडन लंदन यूके। संस्करण 135वां है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन है, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2022 22 मई 15 जून 2022 आयोजन स्थल रोलेंड गैरोस स्टेडियम पेरिस फ्रांस।
परिणाम पुरुष एकल। विजेता राफेल नडाल स्पेन के हैं, उपविजेता कैस्पर रूड नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 59, मई 2022 में संपन्न थॉमस कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारत इंडोनेशिया को हराकर यह कप पहली बार जीता। सेकंड, इंडोनेशिया 14 बार का चैंपियन रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। थॉमस कप 2022, आयोजन अवधि 8 से 15 मई 2022, आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड है, संस्करण 32वां है, संबंधित खेल बैडमिंटन, शामिल टीमें 16, स्थापना वर्ष 1949, विजेता भारत पहली बार 3 से, उपविजेता इंडोनेशिया, सर्वाधिक बार विजेता इंडोनेशिया 14 बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, जुलाई 2022 में हुए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता, इस स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एंडरसन पीटर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, जुलाई 2022 में वर्ल्ड गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, जुलाई 2022 में आयोजित ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्लोस सेंज जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।